गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर 8 है, हमारा चैप्टर 8 चल रहा है, उसके हम लोग आज स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी वाले जो क्वेश्चन ए और बी है वो आज हम करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है 8, चैप्टर 8 चल रहा है, इसका पार्ट 3। कौन सा पार्ट है इसका? पार्ट 3 हमारा स्टार्ट हुआ है। तो इसका स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी वाला जो क्वेश्चन है वो आज हम स्टार्ट करें। तो प्लीज ओपन योर बुक पेज नंबर 54, ओपन योर बुक पेज नंबर 54। क्वेश्चन नंबर ए है, से ट्वीक अलाउड, नाउ रीड एंड प्रोनाउन। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसको करेक्टली रीड करना है। क्वेश्चन नंबर ए है, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं डब्ल्यू वाले, आपको उसको प्रॉपरली रीड करना है। तो फर्स्ट है टी डब्ल्यू डबल ई ट्वीट, टी डब्ल्यू डबल ई ट्वीट, टी डब्ल्यू ई एल बी ई ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल एफ टी एच ट्वेल्व। ये ट्वेल्व है, ये ट्वेल्व, इसमें एफ टी एच लग गया। टी डब्ल्यू आई सी ई ट्वीट, टी डब्ल्यू आई जी ट्वीट, टी डब्ल्यू आई एन ट्वीन ट्विंस, टी डब्ल्यू आई एन के एल ई ट्विंकल, टी डब्ल्यू आई डबल टी ई आर ट्विटर। एक है टी डब्ल्यू आई एस टी ट्विस्ट। नाउ रिपीट अगेन, टी डब्ल्यू डबल ई टी ट्वीट, टी डब्ल्यू ई एल बी ई ट्वेल्व, टी डब्ल्यू ई एल एफ टी एच ट्वेल्व, टी डब्ल्यू आई सी ई ट्विस्ट, टी डब्ल्यू आई जी ट्विंक, टी डब्ल्यू आई एन ट्विंक, टी डब्ल्यू आई एन के एल ई ट्विंकल, टी डब्ल्यू आई डबल टी ई आर ट्विटर, टी डब्ल्यू आई एस टी ट्विस्ट। ये वर्ड्स आपको रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये है, ए हो चुका है कि रीड दीज वर्ड्स अलाउड। आपको इन वर्ड्स को रीड करना आना चाहिए, या आप नोटों पर भी राइट करना और इनको रीड करना, ताकि आपको टी डब्ल्यू वाले जो वर्ड्स है वो रीड करना है। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। हमारा जो ईयर होता है, ईयर मीन्स होता है पूरा एक साल होता है, जिसमें हमारे 12th मंथ होते हैं। 12th मंथ हमारे एक ईयर में होते हैं। द नेम ऑफ दैट मंथ आर प्रॉपर नाउन। जो मंथ नेम जो होते हैं ना, जनवरी फरवरी, ये प्रॉपर नाउन होते हैं। संडे मंडे जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, हम लोग इनको कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करते, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, द नेम ऑफ द मंथ आर प्रॉपर नाउन, वी आर नो सीन कैपिटल लेटर, लर्न द स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ द मंथ। आपको यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है, उसको लर्न करना है। आपको यहाँ पे स्पेलिंग दी हुई है मंथ नेम की, आपको उनको मंथ नेम को लर्न करना है। ये जो मंथ नेम होते हैं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। कैपिटल लेटर मीन्स मतलब बड़ी एबीसीडी, जिसे हम लोग कैपिटल लेटर्स, बड़ी एबीसीडी जिसे हम लोग कह सकते हैं, उससे हमें स्टार्ट करना चाहिए, स्मॉल लेटर से हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फरवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, मई इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, जुलाई इज द सेवंथ मंथ ऑफ द ईयर, अगस्त इज द एट मंथ ऑफ द ईयर, सेप्टेम्बर इज द नाइन्थ मंथ ऑफ द ईयर, अक्टूबर इज द टेंथ मंथ ऑफ द ईयर, नवंबर इज द इलेवंथ मंथ ऑफ द ईयर, डिसंबर इज द ट्वेल्थ मंथ ऑफ द ईयर। मंथ नेम आपको इनकी जो स्पेलिंग्स है वो आपको लर्न करनी, मंथ नेम की स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी। ये वाला जो वर्क है आपको नोटबुक में राइट करना है। क्वेश्चन ए हो गया, क्वेश्चन बी मैं आपको करवा रही हूँ, मंथ नेम, राइट द नेम ऑफ मंथ नेम। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, राइट मंथ नेम।
मंथली आपको राइट करना है, जैसा मैं करवा लूँ वैसा आपको नोटबुक में याद करना है, राइट करना है। ट्वेल्थ मंथ होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है जैन, जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ। जनवरी कौन सा मंथ होता है? फर्स्ट मंथ होता है जनवरी। एफ ई बी आर यू ए आर ए फेब्रुअरी, फेब्रुअरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर। एम ए आर सी एच मार्च, थर्ड मंथ होता है ये। अप्रैल ए पी आर आई एल अप्रैल। एम ए वाई मे, अप्रैल फोर्थ मंथ होता है ईयर का, मे सिक्स मंथ होगा, फिफ्थ मंथ होता है, सिक्स मंथ होता है जून, जे यू एन ई जून, नंबर सेवन जे यू एल वाई जुलाई, नंबर एट होता है ए यू जी यू एस टी अगस्त, नंबर नाइन एस ई पी टी ई एफ बी ई आर सेप्टेम्बर, नंबर टेन होता है ओ सी पी ओ बी ई आर अक्टूबर, नंबर इलेवन होता है नवंबर एन ओ बी ई एन बी ई आर नवंबर, नंबर ट्वेल्व होता है डी ई सी ई एम बी ई आर। हमारे मंथ में होते हैं, आपको इनके नेम नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फरवरी इज द सेकंड मंथ ऑफ द ईयर, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, मई इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर, जून इज द सिक्स्थ मंथ ऑफ द ईयर, जुलाई is the seventh month of the year, August is the eighth month of the year, September is the ninth month of the year, October is the tenth month of the year, November is the 11th month of the year, December is the 12th month of the year। तो ये spellings आपको learn करनी है। Question A और B, हमारा जो chapter 8 है, जो मैंने दो क्वेश्चन मतलब टू क्वेश्चन मैंने आपको ब्लैकबोर्ड पे करवाए हैं, एक तो टी डब्ल्यू वाले स्पेलिंग्स थी उनको और ये मंथ नेम, ये दोनों ही आपको नोटबुक में राइट करने हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं आपको इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊंगी।